फ्रेंड, स्वाद की धूम विद प्रज्ञा में आप सभी का स्वागत है। आज जो रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही खास है और बच्चों की तो एकदम फेवरेट है। ये है चोको पाई या आप कह सकते हैं मैरी बिस्किट का केक। इस केक को बनाना बहुत ही इजी है, आपको किसी भी तरह की बेकिंग या कुकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि वैलेंटाइन डे आने वाला है तो भी आप ये बना सकते हैं या फिर बच्चों के ऐसे झटपट खाने के लिए भी आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वाओ, कितना सुंदर टेक्सचर है, लग रहा है ये मैरीगोल्ड बिस्किट का केक है। हाँ, ये मैरीगोल्ड बिस्किट का केक है जिसे बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर हमने एक मैरीगोल्ड बिस्किट का पैकेट लिया है, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 3 टेबलस्पून पाउडर शुगर, 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे। पहले इसमें यहाँ पर ये 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाला, 3 टेबलस्पून हमने इसमें शुगर ऐड किया और 3 टेबलस्पून हम इसमें मेल्टेड बटर डालेंगे। अब इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये स्मूथ सा चॉकलेट मिक्स बनकर रेडी हो गया। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इस तरह से लिक्विड फॉर्म में इसका पेस्ट रेडी करेंगे। अब एक प्लेट लेंगे और पहले एक बिस्किट लेंगे, उसको अच्छे से कॉफ़ी मिक्स में हम डिप कर लेंगे। डिप करने के बाद इसे हम प्लेट में रख लेंगे और जो हमने चॉकलेट मिक्स रेडी किया है उसे बिस्किट पे अच्छे से हमें स्प्रेड करना है। तो ये हमें कंटिन्यू करते जाना है, जितना भी बड़ा आप केक बनाना चाहें। तो यहाँ पर 10 से 11 बिस्किट लगते हैं इस तरह से बनाने में। इस देखिए, सेम मैंने सेकंड बिस्किट लिया, उसे भी कॉफ़ी मिक्स में डिप किया, उसके बाद जो हमने चॉकलेट मिक्स बनाया है वो उस पर अच्छे से स्प्रेड कर लिया। आप चाहें तो नाइफ से इस तरह सारी तरफ अच्छे से स्प्रेड भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लास्ट में भी कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह बिस्किट लेते जाएंगे और एक टावर जैसा बनाते जाएंगे। तो उसके ऊपर हम ये फिर से रख देते हैं, इस पर चॉकलेट मिक्स डाल देते हैं और फिर अच्छे से चॉकलेट मिक्स को फैला देंगे। फिर अच्छे से ये देखिए हमने फैला लिया। और बस यही प्रोसेस हमें रिपीट करते जाना है। बिस्किट को पहले कॉफ़ी मिक्स में हमें डिप करना है, फिर उसके ऊपर हम चॉकलेट पेस्ट जो हमने बना के रखा है वो स्प्रेड कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा एक टावर जैसा बन गया। अब हम इसमें चॉकलेट मिक्स जो हमने बना के रखा है उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल भी बिस्किट्स हमें नहीं दिखने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बिस्किट दिख रहा है तो उसे कवर कर दीजिए। तो बहुत आसानी से इस तरह से प्लेट घुमाइए और जहाँ पे बिस्किट दिखे वहाँ चॉकलेट मिक्स लगा लीजिए। तो बन गया ना आसानी से। तो रेडी हैं आप भी इस रेसिपी को ट्राई करने के लिए? अब ये देखिए, ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे और जो बाकी बचे हुए बिस्किट हैं उनका भी हमें सेम प्रोसेस से केक बनाना है। तो दूसरी प्लेट लेंगे और फिर बिस्किट को कॉफ़ी मिक्स में डिप करके सेम प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। तो बस इस तरह आसानी से बिना बेकिंग के हमारा केक रेडी हो जाएगा। अब हम ये दोनों जो हमने बना के रखे हैं केक के लिए, इसे 1 घंटा रेफ्रिजरेट करते हैं और 1 घंटे बाद हमने ये रेफ्रिजरेटर से निकाला और नाइफ से इसे अच्छे से इस तरह से नीचे से निकाल लिया। देखिए कितना अच्छा बन गया है ये। सेम दूसरे केक को भी हम इसी तरह नीचे से नाइफ से इस तरह हल्का सा स्क्रैच करेंगे और निकाल लेंगे। तो ये देखिए ये भी निकल गया हमारा। अब हमें इसे कट करना है, तो एक शार्प नाइफ लेंगे हम पहले और फिर हम इसे कट करते जाएंगे। तो आपको जैसे भी पीसेज अच्छे लगे, पतले या आपको थोड़े चौड़े चाहिए, मोटे चाहिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कट कर लीजिए। यहाँ मैं थोड़े पतले कट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे लगते हैं और बच्चे बहुत ईजिली खा लेते हैं। आप इसका टेक्स्चर देखिए कितना सुंदर आया है, चॉकलेट और मैरी बिस्किट दोनों का कॉम्बिनेशन, और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है। बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि कॉफ़ी का फ्लेवर होता है, चॉकलेट का फ्लेवर होता है, प्लस मैरीगोल्ड बिस्किट भी होता है, तो खाने में मज़ा ही आ जाता है। तो इस तरह से हम सारे चोकोपाइस को या ये कहें कि मैरी केक को रेडी कर लेंगे। तो लग रहा है ना बिल्कुल टेम्पटिंग, और बच्चों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप जल्दी ही अपने किचन में इसे ट्राई करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहिए और अपना प्यार इसी तरह देते रहिए। थैंक यू।